आशापुरा डिजिटल स्टूडियो प्रेजेंट्स। चुंडावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो शत्रानी। राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र खास तौर से मातृभूमि की रक्षा के लिए सबसे आगे रहा है। मेवाड़ अंचल के सूरसूरमाओं की कीर्ति पूरी दुनिया में विस्तृत है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी, इनके प्राण बचाने के लिए पन्नाधाई ने अद्भुत और अपूर्व बलिदान दिया, अपने पुत्र की बलिदानी दे दी और महाराणा उदय सिंह जी को बचाया। ऐसी ही राजपूत शत्राणियों में एक नाम है, वो है हाड़ी रानी। एक ऐसी राजपूत वीरांगना जिन्होंने अपने पति का पत्नी मोह भंग करके और उनको इस मातृभूमि के प्रति क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए प्रेरित किया और वो भी अपना खुद का मस्तक काट करके प्रेम की निशानी के तौर पे रणभूमि में अपने पति के पास भेजकर ऐसी शत्राणी उन्होंने बलिदानी दी। तो बलिदानी भजन के रूप में बिल्कुल आपके बीच में प्रथम बार में प्रस्तुत करने जा रहा हूं हाड़ी रानी की वीरांगना की वीर गाथा आपके बीच में। मेवाड़ सलूमर की धरती पे मैं बार बार बलिहारी जी शीश काट दे दी ओरण में वो थी हाड़ी रानी जी। मेवाड़ सलूमर की धरती पे बार बार बलिहारी जी शीश काट दे दी ओरण में वो थी हाड़ी रानी जी। शीश काट दे दी ओरण में वो थी हाड़ी रानी जी। बोलिए हाड़ी रानी मेवाड़ सलूमर की धरती। सलूमर ये कौन सा उदयपुर के पास में। मेवाड़ सलूमर की धरती पे मैं बार बार बलिहारी जी शीश काट दे दियो रण में वो थी हाड़ी रानी। और बताया कि महाराणा राज सिंह जी 1652 ईस्वी 1680 ईस्वी इनके शासन में एक सामंत थे, कौन? महाराणा राज सिंह जी करते शासन भारी जी। महाराणा राज सिंह जी करते शासन भारी जी। सलूमर राम चुनावत रतन सिंह जी लारी जी। सामंत सलूमर राम चुनावत रतन सिंह जी लारी जी। हाड़ा राजपूत की बेटी से हाड़ा राजपूत की बेटी से इनके लगन लिखाई जी। शीश काट दे दी ओरण में वो थी हाड़ी रानी जी। और महाराणा राज सिंह जी
शासन करते उनके सामंत में, सामंत में सलुम्बर राव छुंडावत रतन सिंह जी और रतन सिंह जी का ब्याह हुआ और इंसान का, इंसान के जब शादी होती है ब्याह होता है तो उसके जीवन का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। तो जैसे ही रतन सिंह जी का ब्याह हुआ, ब्याह के 7 दिन बाद में राजा राज सिंह जी का एक संदेश आया और संदेश युद्ध लड़ने का था। अब युद्ध में जाने की तैयारी करनी थी। 7 दिवस बाद संदेश आया तो संदेश पढ़ते ही किस प्रकार रतन सिंह जी ने फैसला लिया और क्या बात बनी। 7 दिवस के बाद राज सिंह का संदेश प्राप्त हुआ। रतन सिंह जी चूंडावत ने सेना को आदेश दिया। और राजा राज सिंह जी ने रतन सिंह जी को पत्र भेजा शादी के 7 दिन बाद में युद्ध की तैयारी के लिए। तो रतन सिंह जी युद्ध के लिए तैयार हुए, सैनिकों को तैयार किया और मन में विचार किया कि एक बार हाड़ी रानी से मिल लूं, उनसे बातचीत कर लूं, आदेश ले लूं। हाड़ी रानी के पास गए और हाड़ी रानी के पास गए और कि युद्ध की विदाई जी। हाड़ी रानी के पास गए और दी युद्ध की विदाई। शीश काट दे दियो रण में वो थी हाड़ी रानी। शीश काट दे दियो रण में वो थी हाड़ी रानी। और बिल्कुल मैंने आज ही इस इतिहास को देखा, मैंने करीबन 5 या 6 बार पढ़ा। और जब हम इस इतिहास को पढ़ते हुए लास्ट अंतिम दौर में आते हैं तो बिल्कुल एक मन के भाव अलग ही हो जाते हैं। जिस प्रकार से हाड़ी रानी ने अपने पतिदेव को युद्ध में ध्यान लगाने के लिए जो उनकी निशानी दी, बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक सुनना इस बात को। बताया कि 7 दिवस के बाद राजा राज सिंह जी का संदेश आया और कहा कि रतन सिंह जी आपको युद्ध के लिए तैयार होना है। रतन सिंह जी युद्ध के लिए तैयार हो गए, सैनिकों को तैयार किया और हाड़ी रानी के पास गए, उनसे विदाई लेकर के रतन सिंह जी युद्ध में जाने की तैयारी करने लगे। और किस प्रकार रतन सिंह जी हुए रवाना जैसे हवा में उड़ी चले। और उनकी गति इस प्रकार थी जैसे कोई हवा में उड़ते हुए चल रहे हो। रतन सिंह जी हुए रवाना जैसे हवा में उड़ी चले। और रतन सिंह जी की उसी समय शादी हुई थी, उनके मन में एक बात बार बार घूम रही थी। क्या घूम रही थी कि बार बार उनका मन कहता मेरी रानी भुला न दे। बार बार उनका मन कहता मेरी रानी भुला न दे। ध्यान लगाता रानी ने, ध्यान लगाता रानी ने कैसे चले वो आगे जी। काट दे दियो रण में वो थी हाड़ी रानी की। शीश काट दे दियो रण में वो थी हाड़ी रानी की।
मन में बात घूम रही थी, अभी अभी ब्याह हुआ और मैं युद्ध के लिए निकल गया, मेरी रानी मेरी हाड़ी रानी मुझे कहीं भुला ना दे। मन में एक ही चिंता कि मेरी रानी मुझे कहीं भुला ना दे। तो रतन सिंह जी ने सैनिक को हाड़ी रानी के पास भेजा और क्या कहा, रह ना पाए रतन सिंह जी सैनिक भेजा रानी पास, लौटूंगा मैं रानी वापस बुला न देना मेरी बात, बार बार भेजा से दिखो, बार बार भेजा से दिखो, कैसे मन समझाई दी, बार बार भेजा से दिखो कैसे मन समझाई, शीश काट दे दी ओरण में वो थी हाड़ी रानी, शीश काट दे दी ओरण में वो थी हाड़ी रानी की। अब राव रतन सिंह जी जो युद्ध क्षेत्र में, उनके मन में एक ही बात थी कि मेरी रानी कहीं मुझे भुला न दे। एक बार सैनिक को भेजा और संदेश पहुंचे और राव रतन सिंह जी ने कहा कि रानी मुझे मेरे मन में एक ही भय खाए जा रहा है कि मैं यहां युद्ध क्षेत्र में हूं और आप मुझे कहीं भुला ना दो। एक बार सैनिक भेजा, दूसरी बार सैनिक भेजा, तीसरी बार सैनिक भेजा और चौथी बार, कई बार राव रतन सिंह जी चुंडावत ने सैनिक भेजे। तो जब आखिरी बार सैनिक गया तो जैसे सैनिक रवाना हो रहा था तो राव रतन सिंह जी ने कहा कि मेरी बात सुन, इस बार हाड़ी रानी के पास में जाना, उनको कहना कि उनकी कोई एक निशानी दे दो ताकि बार बार आपकी वो निशानी दे करके मैं अपने मन को हल्का करूंगा। तो वो सैनिक गया हाड़ी रानी के पास में, गया हाड़ी रानी को कहा कि राव रतन सिंह जी चुंडावत युद्ध क्षेत्र में है पर उनका ध्यान आपकी ओर है और उनकी उनका आदेश है कि बिल्कुल आप कोई आपकी निशानी दे दो ताकि वो आपको देख करके हमेशा वो निशानी देख करके अपने मन को बहलाएंगे। सैनिक ने निशानी मांगी, रानी सोचने लगी, हाड़ी रानी मन में विचार करने लगी, अगर रतन सिंह जी मेरे पतिदेव मुझे बार बार याद करेंगे तो वो युद्ध में लड़ नहीं पाएंगे और उनके नजर के सामने अगर मेरा चेहरा घूमता रहेगा तो वो युद्ध में जीत नहीं सकेंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो हाड़ी रानी ने निशानी के तौर पे क्या दिया, बिल्कुल आप सुनना कि हाड़ी रानी ने कहा से निकली तू मैं तुझे निशानी की, अब सैनिक को भी पता नहीं था कि रानी क्या निशानी देने वाली है। हाड़ी रानी ने कहा सैनिक सुन दे तू तुझे निशानी में, ले जाना तुम बड़ा संभल कर और कपड़ों से ढक करके, हाड़ी रानी ने सैनिक से कहा कि मैं तुझे निशानी दूंगी पर वो निशानी मेरे पति के अलावा किसी और को ना दिखे और उसको कपड़ों से ढक करके ले जाना, सैनिक को पता नहीं कि क्या निशानी देने वाले हैं। तो एक पलक में रानी ने तलवार सी
शीश पे चलाई दी। एक पलक में रानी ने तलवार शीश में खुद के शीश में चलाई, शीश काट दे दी ओरण में वो थी हाड़ी रानी की। शीश काट दे दी ओरण में वो थी हाड़ी रानी की। अब हाड़ी रानी ने अपने पतिदेव को निशानी भेजने के लिए तलवार निकाली और तलवार अपने शीश में चलाई और रानी का धड़ अलग गिर गया। और जैसे ही उस सैनिक ने वो दृश्य देखा, बिल्कुल चकित रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। अब सैनिक को तो पहले बोला गया था कि मैं जो भी तुझे निशानी दूंगी वो निशानी बड़ी संभाल करके मेरे पतिदेव के पास में पहुंचानी है। तो उस समय वो सैनिक हाड़ी रानी का मस्तक लेकर के थाल में रखा और कपड़ों से ढक करके सैनिक जब वहां से रवाना हुए, थाल में सजा करके सुंदर वस्त्र से ढक कर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, ये बात हाड़ी रानी ने कही थी। और हाड़ी रानी ने एक पत्र लिखा था, उस पत्र में था कि हे पतिदेव, मैं आपको अंतिम निशानी भेज रही हूं और आपके मोह माया के सभी बंधन को काट रही हूं। अब बेफिक्र होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना, मैं चली स्वर्ग और आपकी बात निहारूंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक झटके में शीश उड़ा दिया और वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही ने नेत्रों से देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई और आंसू की धार निकल पड़ी। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चुनर में हाड़ी रानी का सिर ढका, भारी मन से युद्ध की भूमि में दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सिरदार स्तब्ध रह गया। उनको समझ नहीं आया कि उसके नेत्र की अश्र धारा क्यों बह रही है। धीरे से बोला, क्यों युद्ध सिंह, रानी की निशानी ले आए? तो यदु कांपते हुए हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सिरदार की आंखें फटी रह गई, पत्नी का सिर देखते देखते ही रह गए और उसके मुख से केवल इतना ही निकला कि हाय रानी, ये आपने क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर डाला। संदेही पति को एक बड़ी सजा दे डाली। खैर, अब मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे, वह शत्रु पर टूट पड़ा और इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल देनी मिलना भी बड़ी कठिन है। जीवन के आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना उसके आगे नहीं बढ़ने दिया और जब तक मुगल बादशाह निजाम छोड़कर के भाग गए। और इस विजय का श्रेय आज भी राजस्थान के अंचलों में हाड़ी रानी के उनके अमर बलिदान की यशो गाथाओं में दिया जाता है, जिसके चलते इस वीरांगना के नाम पर राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन का गठन किया गया। गठन के बाद इस महिला बटालियन का नामकरण भी इस वीरांगनी के नाम पर हाड़ी रानी महिला बटालियन रखा गया। बोलिए हाड़ी रानी की। यह है, देख लो, सूरवीरों की धरती। राव रतन सिंह जी सुंदरवन साहब को बार बार अपनी रानी की याद आ रही थी तो रानी की निशानी मंगवाई और हाड़ी रानी ने अपना शीश काट करके रतन सिंह जी के साथ भिजवा दिया, रतन सिंह जी के पास भिजवा दिया। और अंतिम लाइनें लिखी है कि धन्य धन्य मेवाड़ की भूमि, धन्य हो हाड़ी रानी जी। शीश
दे दियो रण वो थी हरियाणी, शीश काट दे दियो रण वो थी हरियाणी।